सुल्तानपुर जिले की तहसील कादीपुर के अंतर्गत कल्याणपुर गांव में कटिया कनेक्शन लगाकर मोटर चलाने के विषय में विवाद शुरू हुआ। सोमवार के दिन पीड़ित के द्वारा थाने पर जाकर एक FIR किया गया, उसके बावजूद भी थाने से कोई एक्शन नहीं लिया गया और मंगलवार के दिन 3 गाड़ी मार्शल में भरकर लोग आए, जिनकी संख्या लगभग 30 के करीब थी और जिसमें सभी लोग हथियारबंद थे। उन्होंने गाँव वालों के ऊपर हमला कर दिया, जिसके कारण आज एक महिला की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। अगर संज्ञान में मामले को पुलिस ने लिया होता तो शायद इतनी बड़ी घटना न घटती और इसमें पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। गांव वालों का कहना है कि पुलिस के द्वारा किए गए कार्य ठीक न होने के कारण यह घटना आज घटित हुई है, जिसमें एक महिला की मृत्यु हो गई है। वहीं अगर सूत्रों के अनुसार माने तो कई राउंड फायरिंग भी हुई है, साथ ही एक महिला को गोली लगने से इलाज के दौरान मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि घर में घुसकर मारपीट की है और साथ ही गाड़ियों को भी तोड़ डाला है, जिसमें गांव के लोगों में इतना आक्रोश था कि कभी पुलिस की गाड़ियों को रोककर उनके सामने रोते, कभी अधिकारियों की गाड़ी रोककर उनके सामने चिल्लाते और पीड़ितों का बस इतना ही कहना था कि हमें न्याय चाहिए। इसके लिए कभी रोते बिलखते परिजन अस्पताल जाते तो कभी वही पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको हमदर्दी दिखाकर वापस कर दिया जाता। जब सब कुछ हो गया तो बाद में लकीर पीटने से कुछ नहीं होता, कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है कल्याणपुर के पीड़ित लोगों के साथ में। पीड़ित पक्ष घायल लोगों के नाम इस प्रकार हैं: अच्छे लाल पुत्र राम टहल, सुरेंद्र कुमार पुत्र अच्छे लाल, सीताराम पुत्र बजरंगी, श्याम सुंदर पुत्र कालेश्वर, आशीष कुमारी, सुशीला देवी, भानमती, शांति देवी। वहीं वह महिला जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है, उसकी उम्र लगभग 60 वर्ष बताई जा रही है। TV1 इंडिया न्यूज के लिए परमानंद की रिपोर्ट, सुल्तानपुर।